हेलो एंड वेलकम टू भारत भाग्य विधाता के नए एपिसोड में। दोस्तों, आज इतनी बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि पूरी दुनिया इस पर बात कर रही है, पूरी इंटरनेशनल मीडिया इस न्यूज को कवर कर रही है। जी हाँ, हिंदुस्तान टाइम्स, इकोनॉमिक्स टाइम्स, राइटर्स, यहाँ तक कि पाकिस्तान का मीडिया डेली पाकिस्तान ने भी इस खबर को कवर किया है। भारत के टाटा ग्रुप, जिसने हाल ही में एयर इंडिया एयरलाइंस को खरीदा था, अब एयर इंडिया नए 500 एयरक्राफ्ट अपने बेड़े में शामिल करने जा रहा है। दोस्तों, हमने अभी कुछ दिनों पहले आपको बताया था कि एयर इंडिया अपने पुराने एयरक्राफ्ट को रिफर्बिश करने के लिए $400 मिलियन खर्च करने जा रही है, और आज ये न्यूज आ रही है कि अब टाटा ग्रुप की एयर इंडिया 500 नए एयरक्राफ्ट खरीदेगी। तो क्या है पूरी खबर और क्या है नया, जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। लगभग एक साल के बाद साउथ एशिया में सबसे बड़े इंटरनेशनल कैरियर के रूप में एयर इंडिया अपनी पहचान बना रहा है, और अब रतन टाटा जी की टाटा ग्रुप एयर इंडिया के लिए 500 नए विमानों को अपने बेड़े में शामिल करके एक हिस्टोरिक कदम उठा रही है। रॉयटर्स ने बताया कि ऑर्डर एयरबस और बोइंग दोनों के साथ दिए किए जाने वाली है। एयर इंडिया 400 नैरो बॉडी जेट और 100 या अधिक वाइड बॉडी जेट को खरीदना चाहती है। अभी एयर इंडिया के पास 49 बड़े एयरक्राफ्ट है, जिसमें बोइंग और एयरबस के एयरक्राफ्ट और तकरीबन 128 नैनो बॉडी एयरक्राफ्ट है। बाकी 153 एयर एक्सप्रेस के एयरक्राफ्ट है। आपको बता दूं, ऐसे प्लेन जिसकी 4 मीटर यानी 13 फीट से कम चौड़ाई वाले केबिन में 6 बराबर बैठने की कैपेसिटी होती है, ऐसे एयरक्राफ्ट को नैनो बॉडी कहा जाता है, और जिन एयरक्राफ्ट में आप देखते हो जिसके बैठने की 10 से 14 15 तक होती है, उन्हें वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट कहा जाता है। अब एयर इंडिया ऐसे ही नैनो बॉडी के 400 और वाइड बॉडी के 100 नए एयरक्राफ्ट की डील करने जा रही है, और ये डील तकरीबन $100 बिलियन से भी ज्यादा होगी। इंडियन रुपीस में तकरीबन ये होगा 8 लाख करोड़ की, जो अपने आप में एक बहुत ही बड़ी डील होगी। तो स्वाभाविक सी बात है, दुनिया में तो तहलका होने वाला ही है। आपको ये भी बता दूं कि ये डील बोइंग और एयरबस के साथ होने की बात चल रही है। बोइंग और एयरबस मार्केट में सबसे बड़े एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर है। अब आप पूछोगे कि सर, एयर इंडिया को अचानक से इतने प्लेन्स लेने की क्या जरूरत आ पड़ी? तो ये क्लियर समझो कि भारत के बड़े विदेशी नागरिक और देश के बड़े शहरों से शहरों के बीच यात्रियों पर एयर इंडिया का फिर से कब्जा करने का है, जहां पर अभी कई इंटरनेशनल एयरलाइंस का कब्जा है। एयर इंडिया भी इंडिगो, जो कि भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट एयरलाइंस है, उसके साथ भी टक्कर देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय यातायात और घरेलू बाजार का एक बड़ा हिस्सा जीतना चाहती है। 500 जेट दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते हवाई यात्रा बाजार में बेड़े की जगह लेंगे और विस्तार करेंगे, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन तक बढ़ाने के लक्ष्य में योगदान करेंगे। लेकिन विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि मजबूत वैश्विक स्थिति हासिल करने की एयर इंडिया की महत्वाकांक्षा के रास्ते में कई बाधाएं हैं, जिनमें कमजोर घरेलू बुनियादी ढांचा, पायलट की कमी और स्थापित खाड़ी और अन्य वाहकों के साथ कड़ी प्रतिस्पर्धा का खतरा शामिल है। उद्योग के एक सूत्र ने कहा कि नए बोइंग 737 मैक्स विमान कंपनी के बजट ऑपरेटर एयर इंडिया एक्सप्रेस के पास जाने की संभावना है, जिसका नाम बदला जा सकता है। रॉयटर्स ने जुलाई में बताया कि एयर इंडिया एयरबस A350 और बोइंग वाइड बॉडी 787 और 777 मॉडल का अध्ययन कर रही थी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि टाटा ग्रुप का ये फैसला कैसा है? क्या एयर इंडिया वापस से अपने आप को इंटरनेशनल और डोमेस्टिक मार्केट में अपने कॉम्पिटिटर्स को टक्कर दे पाएगी? कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर बताएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को ऑन कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।